प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने रविवार को एक संस्था के द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय बनकटी चक के जीर्णोद्वार एवं सुंदरीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने विद्यालय में कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया तथा छात्रों से वार्ता भी की और पढ़ाई से संबंधित कुछ सवाल भी किए। इस दौरान छात्रों ने उनके सवालों के संतोषजनक जवाब दिए। इस मौके पर विद्यालय के सुंदरीकरण कराने पर संस्था को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, बीएससी बीएन सिंह, संस्था की अध्यक्ष सीमा छापड़िया, आशीष छापड़िया, अध्यापिका गरिमा शाही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा, परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं। अभी लगाएंगे तो थोड़ा जल जाए। मैं चाहूंगा बीएसए श्री बीएन सिंह जी का भगवती सूर्य भारती तब चरण प्रणमामः नाद ब्रह्ममयी जय वाणी मानस हंसे जय जय हे अनुरोध। ये हमारे शिक्षक आपके मार्गदर्शन में ही हम सभी कार्यों अनुरोध हमेशा हम लोग को मार्गदर्शन देते हैं, सहयोग देते हैं। ये मेरी ओर से पूरी संस्था को धन्यवाद जी इस स्कूल को बनाने के लिए। मैं आपके सामने एक कविता कहने जा रही हूँ। बचपन बचाने खातिर बेसिक शिक्षा ने ली अंगड़ाई, सबसे जरूरी है पढ़ाई। सुनो बहुत जरूरी है पढ़ाई, शिक्षा से होता है बच्चा गुणवान हो, संस्कार पाके वो है बनता चरित्रवान हो, इसी से करता जन जनता हो, इसी से कहता जन जनता आह्वान हो, शिशु गुरु बने भा फिर से महान हो, 14 बरस तक मुफ्त होती है सबकी पढ़ाई, सबसे जरूरी है पढ़ाई। सुनो बहुत जरूरी है पढ़ाई। तुई मेरा पुकारे वंदे मातरम, तुई मेरा धर्म तुई मेरा कर्म, तुई मेरा पुकारे वंदे। भैया मोबाइल पीछे हटाई बाहर सर, ये कहाँ गए? एक विद्यालय बहुत कष्ट होता था पढ़ने का। टीवी चल रहा है ना, बच्चे जो पीछे हैं इसे पढ़ाई करते हैं।
तो उस पर चित्र दिखाई देता है, उससे उससे पढ़ने में मजा आता है, ज्यादा समझ में आता है। जब बिना बिना टीवी के पढ़ाती है टीचर, तब ज्यादा मजा आता है कि जब टीवी के साथ पढ़ाती है तब ज्यादा मजा आता है। स्कूल में इस तरह की टीवी लग जाए बच्चों के लिए, मजा आएगा ना पढ़ने में। कितना लगवाया ये सब? बहुत सेवा करती है भैया पीछे आ जाओ। इस तरह के पोस्टर इस समय हम लोग पूरे प्रदेश के स्कूलों में इस तरह के पोस्टर भेज रहे हैं, बच्चों की क्लासरूम में लगा रहे हैं, ताकि बच्चे बैठे बैठे भी बहुत सारी चीजें देखते रहे। हर चैप्टर पर पोस्टर भेज रहे हैं, और जो हमारी किताबें हैं उसको QR कोड, उसमें हर चैप्टर में QR कोड है। अगर बच्चे घर में स्मार्टफोन है तो उस QR कोड को स्कैन करें, तो जो कहानी चैप्टर में लिखी हुई है उसका पूरा वीडियो देखें। और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, क्योंकि ये उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये उन्हीं का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल एक नए रूप में बच्चों के सामने आने चाहिए, जो उनके जीवन में एक नई आशा का संचार करें, और उस दिशा में आप सभी सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरी सरकार की ओर से आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ औपचारिकताएं ऐसी हो गई हैं जिसके कारण मैं यहाँ मुख्य अतिथि हूँ, वास्तव में होना इसका उल्टा चाहिए। हमको और हमारे विभाग को एक कार्यक्रम करना चाहिए था जिसमें एक नई आशा परिवार के लोग मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में होते और हम आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते। आदरणीय पुष्पम जैन जी इस महानगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी तो हैं, हम सब यहीं पढ़े हैं बड़े हैं, हमारे राजनीतिक और सामाजिक अभिभावक के रूप में आप रहे हैं हमेशा। इस एक नई आशा परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, हमारे एडी बेसिक श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी बी एस सिंह जी, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण और बच्चे और मीडिया के हमारे सम्मानित मित्रगण, इस विद्यालय को मैंने कई साल रोज देखा है। विनय भैया यहीं बैठे हैं, इन्हीं के मकान में अलादादपुर में रहते थे, उसके पहले आजाद चौक पर रहते थे, तो विद्यार्थी परिषद का कार्यालय बगल में था, परिषद के कार्यकर्ता के नाते अक्सर रोज वहाँ आना जाना होता था। और जब इस मोहल्ले में रहते थे, कभी कपड़ा फ्रेश कराने, कभी सब्जी लेने, कभी किसी न किसी कारण से इस दीवार के पास से रोज एक बार गुजरते थे, और तब बहुत कष्ट होता था देख करके कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दशा ऐसी है, जो विद्यालय देखने लायक नहीं है वहाँ बच्चे पढ़ते कैसे हों। वो मेरे लिए कोई नई तस्वीर इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं भी अपने गांव में जिस प्राइमरी स्कूल से पढ़कर आया था उसकी दशा तो इससे भी ज़्यादा खराब थी। मैं कई बार उसका वर्णन जब किसी मंच से करता हूँ तो हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि नेता कई बार कहानियाँ सुनाते हैं, ऐसे ही कोई कहानी सुना रहे होंगे, लेकिन वो दृश्य जीवन में कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि पहला स्कूल का पहला दिन ये सब कभी किसी को भूलता नहीं है। गांव में मेरे घर के सामने स्कूल जैसी एक संरचना थी, स्कूल जैसी इसलिए कह रहा हूँ कि न छत था, न फर्श था, न कमरे थे,
कुछ तीन चार पिलर्स खड़े थे, वो पिलर्स भी आरसीसी वाले नहीं थे, ईंट वाले पिलर्स थे, और हम सब जानते थे कि यही हमारा स्कूल कभी था। बिना छत वाले उस स्कूल में अपने घर से यूरिया खाद की बोरी जो धुलकर साफ कर देती थी माँ, उस एक हाथ में बोरी और एक हाथ में अपना बस्ता और अपना घर की ही किसी पुरानी लकड़ी के पटरे की बनी हुई तख्ती, ये लेकर जाते थे। बमुश्किल एक टीचर स्कूल में होते थे, कभी कभी उनका ट्रांसफर हो जाता था तो महीनों कोई नहीं रहता था, तो गांव के कोई पढ़े लिखे व्यक्ति आकर के कुछ दिन पढ़ाते थे। तो हम तो वो तस्वीर देखकर आए थे, वहां से पढ़कर आए थे, तो उसकी तुलना में तो ठीक ही लगता था, लेकिन जब हम सोचते थे कि गोरखपुर महानगर है और इस महानगर में इस तरह के स्कूल हैं, तो क्या स्थिति प्रदेश भर के स्कूलों की होगी। मैं कोई लंबी कहानी नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई तो अचानक से बेसिक शिक्षा सरकार के एजेंडा में टॉप प्रायोरिटी पर आ गया, चाहे इस कारण से कि एक सांसद के नाते और एक पीठ के उत्तराधिकारी महंत के नाते बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए उन्होंने स्कूलों की दुर्दशा देखी थी, या इस नाते कि हमेशा से गोरखपीठ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता रहा है, इसलिए एक अनुभव भी था उनको, और पहले दिन से उन्होंने इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसका परिणाम ये हुआ कि जून 2018 से मिशन कायाकल्प शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दशा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, इसीलिए नाम दिया कायाकल्प। कायाकल्प का मतलब ये होता है कि पूरी की पूरी व्यवस्था बदलेंगे, केवल थोड़ी सी मरम्मत करने से काम नहीं चलेगा। और वो जब संकल्प लिया कि हर गांव में जहां स्कूल है उसकी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, जहां बिल्डिंग है और जर्जर है तो अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, फर्श होना चाहिए, पेंटिंग होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, स्मार्ट क्लास होना चाहिए, पंखे होने चाहिए, पीने के पानी की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, इन सभी दिशाओं में काम शुरू हुआ। 18 पैरामीटर्स हम लोगों ने उसके बनाए, बड़ी तेजी से उस पर काम शुरू हुआ, स्कूल चलो अभियान भी शुरू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सिद्धार्थ नगर जैसे जनपद में जाकर उन्होंने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। उसका परिणाम यह हुआ कि तेजी से लोगों का ध्यान उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की ओर जाने लगा। सबसे पहले तो मैं आज जहाँ आया हूँ इस विद्यालय का जो कायाकल्प हमारी एक नई आशा संस्था ने किया है, उस पूरी संस्था को, उसके सभी सदस्यों को अपने बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस विद्यालय को गोद लिया और इसके कायाकल्प में सहयोग किया।